हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजिप्ट। दोस्तों, आज जो हम पेपर लेके आए हैं वो हमारा सीचपाल का पेपर है और जिसका पोस्ट कोड आपका 5 और 68 है। तो आज हम क्या करेंगे, सीचपाल के पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे हमारा वीडियो का पेपर हो गया और जो हमारा बाकी एडियो पेपर हो गया, तो जितने भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उनके लिए, या एलटी का एग्ज़ाम हो गया उनके लिए क्या है, ये बहुत बेनिफिट साबित होगा। थोड़ी डीप स्टडी से आपको क्या होगा, काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। तो धीरे धीरे हमने क्वेश्चन पेपर की जैसे सीरीज स्टार्ट करी थी, उस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में हम क्या कर रहे थे, इस पेपर को सॉल्व कर रहे थे। ओके दोस्तों, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर था और ये आपका 2016 में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। तो 2016 में 2 घंटे का पेपर हुआ था। ये पेपर जितने भी ऐसे पेपर आएंगे वो आपके द्वारा UKSSSC के द्वारा करवाए जा रहे हैं। इनके बारे में हम सारी डिटेल्स क्या करेंगे, आपकी बताएंगे, और सारी डिटेल्स को क्या करेंगे, हम फॉलो भी करेंगे और सारे पेपरों को हम धीरे धीरे करके सॉल्व भी करेंगे, और थोड़ा डीप स्टडी में क्या करेंगे, सारे पेपरों को सॉल्व करेंगे, ताकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके दोस्तों, काफ़ी बच्चों के पूछने के बाद आप मुझे यूट्यूब चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एजे टूडे का जो चैनल है उसमें आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको सारी वीडियोज़ क्या हो जाएंगी, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सारी वीडियोस आपको उसमें क्या मिल जाएंगी, पूरी की पूरी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, नया हमने उत्तराखंड का मैथ्स, जितने भी मैथ्स हैं उसके लिए भी हमने क्या करा है, आपके वीडियोज डालना स्टार्ट किया है, और रीजनिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों में आती है, तो मैथ्स और रीजनिंग में भी आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो एजे टुडे नाम से मैंने एक फेसबुक अकाउंट बनाया है, तो आप मुझे इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मिल जाएगा फेसबुक में, आप इस मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भी मुझे इसमें क्या करते हो, आप सेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, अरुण जोशी नाम से। मेरा नाम अरुण जोशी है, मेरा नाम अरुण जोशी है, और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा हूँ। मैंने मैथमेटिक्स से MSc किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आप मुझे, मेरा नाम अरुण जोशी है, और क्या कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने IBPS RRB और क्लैरिकल, IBPS क्लैरिकल पेपर निकाला हुआ है 2013 में, और RRB रीजनल रूरल बैंक वाला PO भी मैंने क्लियर किया हुआ है। ओके, तो आप जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है और जितना भी मैंने अपनी एग्ज़ामों में फोकस किया है, और उस नॉलेज को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस को लगातार देख सकते हैं, ताकि आपको काफ़ी अच्छा साबित हो आपके एग्ज़ामों में। और उत्तराखंड के पेपर भी मैंने क्लियर किए हुए हैं, किसी कारणवश ज्वाइन नहीं हो पाया, तो इसीलिए आप मुझे क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और मेरा जितना भी तजुर्बा है उसको आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा दोस्तों आपकी संस्कृत है, आप जानते हो, और जो ये है संस्कृत है वो जनवरी 2010 से क्या है, घोषित की गई थी, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है कि जो राजभाषा की अगर मैं बात करूँ नेशनल में, तो ये आर्टिकल 343 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 343 के अंदर क्या आता है, आपका राजभाषा का दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद में। हमारी जो टोटल राजभाषा है, जो हमारी टोटल राजभाषा है वो हमारी कितनी है, 22 हैं, तो ध्यान रखिएगा। और अभी तक क्या है, राजभाषा के इसमें आपके 3 बार क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है। कौन कौन से संशोधन हो चुके हैं, एक बार 21वां संशोधन हो चुका है, एक बार आपका 71वां संशोधन हो चुका है, और एक बार आपका 92वां संशोधन हो चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा राजभाषा में कितनी बार आपका 343 में कितनी बार संशोधन हो चुका है, 3 बार हो चुका है, 21वां संशोधन, आपका 71वां, और आपका 92वां। अबैंडमेंट की बात करते हैं, तो अबैंडमेंट ही आपके क्या होते हैं, संशोधन होते हैं, पहली बात। जो अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया की जो राजभाषा है, इंडिया की राजभाषा कौन सी है, आपकी देवनागरी है, ध्यान रखिए, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली आपकी हिंदी, तो हिंदी आपकी क्या है, राजभाषा है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं होती है, राजभाषा होती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और 21वां अगर मैं बात करूँ कि 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन में अगर मैं एक ट्रिक बताऊँ आपको, नमक, तो ध्यान रखिएगा, नमक बोडो मास, ठीक है, नमक बोडो मास, तो ध्यान रखिएगा, 21वां संविधान में आपकी नमक जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब अगर मैं बात करूं 71वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी बोडो, आपकी
बोडो जोड़ी गई थी और डोंगरी जोड़ी गई थी, और अगर मैं 92 संविधान संशोधन की बात करूं तो आपका क्या जोड़ी गई थी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, और इंडिया की जो हमारी राजभाषा है वो आपकी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली, इतना मैंने आपको बता दिया। अब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की जो दूसरी जो उत्तराखंड की जो आपकी क्या है राजभाषा है दूसरी, वो आपकी संस्कृत है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि जनवरी 2010 से आपकी ये लागू है, और अगर उत्तराखंड की मैं पहली लैंग्वेज की बात करूँ तो पहली आपकी क्या है, हिंदी है। तो इसको आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन में। साहित्य का जो रस होता है, साहित्य का जो रस का जो आशिया होता है, इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि जो आपका रस की जो आपकी डेफिनेशन होती है वो आनंद की अनुभूति होती है जब, ठीक है दोस्तों, आनंद की अनुभूति। तो ध्यान रखिए, आनंद की अनुभूति से ध्यान रखना है कि ये क्या था आपका, साहित्य में रस का आशिया होता है, ठीक है। आपका व्यंजन जिसके उच्चारण से श्वास की कम मात्रा निकलती है, श्वास की कम मात्रा निकलती है अल्पप्राण में निकलती है, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिराक गोरखपुरी जिसका मूल नाम है वो आपका कौन है, रघुपति सहाय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था किससे हुआ था, आपके ब्रह्म लिपि से हुआ था। विप्रार्थिक शब्द बताना था यहाँ पर, तो विप्रार्थिक शब्द क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं अपोजिट होते, तो अपोजिट एक आपका वही था, लाभ और हानि। उद्धरण शब्द का जो प्रयोग कहाँ होता है, तो आपका जो प्रयोग होता है उद्धरण चिन्ह का, तो इसका ऑप्शन सी था, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्गृत किया जाए, ठीक है। तो बात करते हैं जूही की कली, जूही की कली कविता के कवि कौन है, आपके निराला है, तो आपको पता होगा। चलिए दोस्तों हम अपने आगे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरविंद के प्रायोजित, अरविंद का प्रायोजित तो जो आपका कमल होता है, कबीर वाणी के जो डिक्टेटर थे किसने कहा था, तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले कौन से होते हैं, तो भिखारी शब्द होते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें देशा शब्द बताना था, तो देशा शब्द आपका आपके तीन थे, आपके पगड़ी लोटा और ठेठ थे, तो जो आपका देशा शब्द नहीं है वो आपका सांच, आपका देशा शब्द नहीं है। शीतोष्ण का जो हमेशा अर्थ होता है आपको पता ही होगा, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठंडा और गर्म होता है। मुहावरे किस भाषा का मूल शब्द है, तो अरबी भाषा का मूल शब्द है। अतीत के दबे मांव के लेखक कौन है, आपके ओम थानवी है, तो ध्यान रखिएगा। शुद्ध वाक्य छाटे, यहाँ पर शुद्ध वाक्य छाटने का, तो जो शुद्ध वाक्य था वो था आपका अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, तो ये आपका शुद्ध वाक्य था। चलिए आप फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिया की आपकी व्युत्पत्ति, ठीक है। क्रिया की जो आपकी व्युत्पत्ति होती है वो किससे होती है, वो आपके धातु से होती है। बात करते हैं दो मणों के मेल से, दो मणों के मेल से जो बनता है वो आपके संधि बनता है। अगर बोला जाएगा किसी संधि विच्छेद, एक होता है संधि, संधि से तो आपको बता दिया, दो मणों के मेल को आपको क्या कहते हैं, दो मणों के मेल को आपको संधि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा संधि विच्छेद क्या होता है, तो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में कर देते हैं। मतलब अगर कोई वर्ड जुड़ा हुआ है, जैसे वर्ड जुड़ा हुआ है संधि को, तो अगर हम इसको तोड़ दें, ठीक है, किसी भी वर्ड को अगर हम क्या करते हैं, दो टुकड़ों में, दो वर्णों में तोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। दो वर्णों को जोड़ना संधि, और दो वर्णों को तोड़ना आपका, मतलब एक वर्ड एक आपका शब्द को वर्णों में तोड़ना, उसको क्या कहते हैं, आपका संधि कहते हैं। संधि वैसे क्या होता है, आपके तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एक स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन की, 19वें क्वेश्चन की, तो आपका देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम बताना था, तो देशाभिमान में आपकी दीर्घ संधि थी। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तीन संधियां होती है, तीन संधियों में क्या होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और आपका क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। तो जो आपकी स्वर संधि है, ठीक है, जो स्वर संधि है उसके होते हैं आपके पांच भाग होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, तो पांच ये हो गए आपके। और व्यंजन और जो प्रॉपर संधि होता है, संधि के तीन मैंने आपको बताई दिए, स्वर संधि होता है एक, आपका व्यंजन संधि होता है, ठीक है, और एक आपका विसर्ग संधि होता है, ठीक है, एक आपका विसर्ग संधि होता है, ठीक है ना। उसी में क्या होता है, जो एक स्वर संधि होता है, स्वर संधि के क्या होते हैं, पांच भाग होते हैं, पांच भाग में क्या होता है आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, आप इसे आराम से लिख सकते हैं। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौपाई, चौपाई में प्रत्येक चरण की मात्राएं होती हैं आपकी 16 होती हैं, ठीक है। चौपाई में एक क्वेश्चन तो यही आता है कि चौपाई में प्रत्येक चरण की मात्राएं कौन सी होती है, 16 होती हैं। एक कभी कभी आपसे दोहा के पूछ लेता है कि दोहा में कितनी होती है, तो दोहा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऑड होती है वो आपकी 13 मात्राएं होती हैं, और अगर इवन होगा दोहे में, तो ये आपकी 11 होती हैं, ठीक है। अगर 11 होंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, 11, ठीक है, दोहे में क्या होंगी, जो आपकी मात्राएं हो जाएंगी, अगर ऑड है तो आपकी 13 मात्राएं, और इवन हो जाएगा तो आपकी 11 मात्राएं हो जाएंगी। अगर बात करेंगे एक सरोठा भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो क्या होता है, दोहे का ठीक उल्टा होता है, मतलब जो ऑड होंगी वो मात्राएं 11 होंगी, और जो इवन होंगी तो मात्राएं कितनी होंगी, 13 होंगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं, मैथ्स के जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अलग आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं तो उनमें आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका किसका है, मैथ्स का है ये भी। तो अब बात करते हैं इस वाले की, क्वेश्चन नंबर 23 की, टेंडन जोड़ते हैं, टेंडन क्या होते हैं, आपके मसल्स टू बोन, तो मसल से मतलब पेशी से अस्थि को जोड़ते हैं, या मसल्स टू बोन भी कह सकते हैं, तो ये उसको आपके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं,
ये वाला भी आपका 22 आपका मैथ्स का क्वेश्चन था, टेंडर मैंने आपको बता दिया है जो क्या करते हैं पेशी से आपको अस्थि को जोड़ते हैं, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने कर भी नहीं पाए थे उत्तराखंड के गवर्नमेंट पे, तो मैं अभी फोकस रीजनिंग और मैथ्स में इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे उत्तराखंड के वो मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी कम स्कोर करते हैं, तो इसीलिए, और हिंदी में भी आपके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, उसकी आप चिंता ना करिए। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़े, सांख्यिकी आंकड़ों से कौन नोडल एजेंसी है, तो एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो भी आपके सांख्यिकी आंकड़े होंगे तो वो हमेशा क्या होगा, सांख्यिकी निर्देशालय ही बनाया गया है तो वही करेगा, तो इसका ऑप्शन आपका ए था, ठीक है, आर्थिक एवं आपके संख्या निर्देशालय द्वारा। ओके, बात करेंगे नीचे दिए गए शब्दों में से अर्थपूर्ण रूप से आपका सुव्यवस्थित कीजिए, तो सुव्यवस्थित करना था तो सुव्यवस्थित मतलब इसको अरेंज करना, तो सबसे पहले तो आपको वायुवा दाब होता है, फिर आपका वर्षा होगी, फिर आपका बाढ़ होगा, फिर क्या होगा संरक्षित किया जाएगा, फिर आपकी राहत होगी, तो इसका ऑप्शन क्या था आपका बी था, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं आगे मछलियों के कितने हृदय होते हैं, तो ध्यान रखिएगा मछलियों के जो हृदय होते हैं वो आपके दो होते हैं, अगर सांप का हृदय आएगा तो ध्यान रखिएगा सांप के हृदय कितने होते हैं, सांप के हृदय के तीन पार्ट होते हैं, एक तरफ से अंदर होता है ना जो हार्ट चैम्बर, तो चैम्बर कितने होते हैं उसमें तीन होते हैं, मछलियों के दो होते हैं, और जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स जैसे ह्यूमन हो गया या फिर व्हेल हो गया, तो इन सब के क्या होते हैं फोर्थ चार क्या होते हैं चैम्बर होते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फिर अब बात करते हैं राइबोजाइम, राइबोजाइम एक एंजाइम होता है, तो ये आपका राइबो न्यूक्लियस एसिड से, ठीक है, जो बने होते हैं राइबोजाइम, एक राइबोजाइम एक एंजाइम बन जाता है, तो वो किसके द्वारा बन जाता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा बन जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपका आपका UKSSC ने हटा दिया था, क्योंकि हटा दिया था इसके ऑप्शन काफ़ी चीज थे, कहीं 85 दिखाई दे रहा था, कहीं पे 1991 58 भी इसमें ऑप्शन में आता था, इसलिए इस क्वेश्चन को हटाई दिया गया था आपका UKSSSC के द्वारा। तो चलिए हम आगे बढ़ देंगे, बात करेंगे पादप कोशिकाएं के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है, तो ध्यान रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल, तो आपका क्या होता है लार्ज वोकल होता है या आपका वृद्ध रीतिका भी कहते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ द, ये क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो आपको ही पता है कि इसको हम लिख सकते हैं आपका 7.25 × 10 की पावर 8 लिख सकते थे, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन था वो क्या था आपका बी ऑप्शन था, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, और ये वाला भी मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन में हम जो डिस्कस करेंगे वो अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ आप मुझे बता सकते हैं, तो वहाँ आके आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं जो आपके यहाँ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, तो वो वहाँ क्या डाल दिए गए हैं, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में मेरे एजी टूडे वाले चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र मिलती है, मतलब नदियाँ क्या करती है, नदियाँ आ रही है और इधर आपका समुद्र है, तो जहाँ नदियाँ मिलती हैं तो इस तरीके से क्या बना देती हैं, कहाँ पर मिलती है, तो मुहाने पे मिलती है। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, तो ये जो सबसे बड़ा जो आपका एक स्टेटमेंट दिया गया था ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, अगर PCS का एग्जाम दोगे उसमें भी क्या होता है ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे हम स्टार पॉइंट बना लेते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन से होते हैं, जो कौन से हैं, तो जो सर्वाधिक जो बड़े हिमानी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फिर कौन से होते हैं, तो ये इसका आंसर था आपका महाद्वीप हिमानिया, तो ध्यान रखिएगा महाद्वीप हिमानिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है रेड ऑप्शन से मैंने मारे हुए हैं, ठीक, इनको आप आराम से देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम, किस प्रसिद्ध गेंदबाज ने भारतीय क्रिकेट टीम का जो नया कोच नियुक्त किया गया था, उस समय जो नया कोच नियुक्त किया गया था, तो अनिल कुंबले थे आपके 2016 में। अगर मैं अभी की बात करूं कि अभी आपका जो कोच है इंडियन टीम का, तो वो कौन है, रवि शास्त्री है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपके रवि शास्त्री। ओके, रवि शास्त्री ये वही है जिन्होंने आपके अंडर 19 में क्या करा था, एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, तो ध्यान रखिएगा ये वही रवि शास्त्री जी हैं, तो ये अभी आप प्रेजेंट में चल रहे हैं, 2017 से ये प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका ये आपके 15वां नंबर के आपके कोच हैं, और जो आपके अनिल कुंबले थे, अनिल कुंबले आपके क्या थे 14 नंबर के कोच थे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको दिखना पड़ेगा कि यदि एक व्यक्ति 180 देशांतर को पूर्व से पश्चिम, ठीक है, तो पूर्व इस साइड पड़ता है, ये आपका ईस्ट हो गया, ईस्ट से अगर वो वेस्ट की तरफ जाता है, तो एक बात को आपको ध्यान रखना है कि वहां पर क्या होता है, एक दिन कम होता है, अगर वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा तो एक दिन बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारी क्या जो ये लाइन है ये देशांतर है, सपोज करो ये हमारी क्या है एक देशांतर है, इस देशांतर से अगर इधर जाओगे तो एक दिन कम होगा, ठीक है, और इधर जाओगे इस लाइन से, ठीक है ना, ग्रीनविच से एक लाइन जाती है ना 0 डिग्री, तो आपको पता ही है 0 डिग्री जाती है, तो आपको क्या है वो आपका +1 हो जाएगा डे, मतलब ये आप भारत की तरफ आओगे तो क्या हो जाएगा आपका एक दिन बढ़ जाएगा, भारत से दूर जाओगे तो अमेरिका की तरफ जाओगे तो आपको क्या होगा एक दिन लॉस होगा, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फिर हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते जाते हैं,
बात करते हैं कि कफनी ग्लेशियर। ओके, अब कफनी ग्लेशियर की बात करते हैं। जो कफनी ग्लेशियर है वो आपका बागेश्वर में है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप लिख लीजिए बागेश्वर में कौन कौन से और ग्लेशियर हैं। एक तो आपका कफनी ग्लेशियर है, सुंदरडूंगा ग्लेशियर है, मैकटोली ग्लेशियर है और पिंडारी ग्लेशियर भी वहीं है। तो सुंदरडूंगा को हम ऐसे कर देते हैं, सुंदरडूंगा, एम से मैकटोली और पी से पिंडारी ग्लेशियर क्या है आपके बागेश्वर में। अब मैं ऐसे ही अगर आपको बताना चाहूँ कि उत्तरकाशी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं तो आप लिख लीजिए उत्तरकाशी में ग्लेशियर। वाई से यमुनोत्री ग्लेशियर है आपका, जी से गंगोत्री ग्लेशियर है, जी से गंगोत्री ग्लेशियर, बी से आपका बंदरपूछ और डी से डोरियाना। तो डोरेमोन से याद रखिए, डोरियाना जो एक बच्चों का कार्टून भी है, तो डोरेमोन से डोरियाना कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में भी हमारे पास क्या है, कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन उड़ जाता है। तो पिथौरागढ़ की चलिए बात करते हैं। एक एम से आपका मिलम ग्लेशियर है वहाँ पर, एन से आपका नामिक ग्लेशियर है, आर से आपका रालम ग्लेशियर है और आपका पोंटिंग, ठीक है, एक आपका पोंटिंग और एक आपका पिनोरा ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर बहुत बार एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो हम चलिए फिर अब बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल का जो जनपद में प्रवेश द्वार है, ठीक है, प्रवेश द्वार है, या फिर आपको गढ़वाल का प्रवेश द्वार पूछा जाएगा तो आप क्या मारेंगे, गढ़वाल मारेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं का जो आपका प्रवेश द्वार है तो वो कौन सा है, काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल में है। ओके, अब बात करते हैं पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है। तो पादपों में जो परिवहन होता है वो आपका क्या होता है, जाइलम, जल व खनिज का, वो आपका फ्लोएम, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक का वहन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं असोलाप। असोलाप किसका प्रसिद्ध खेल है, असोलाप आपका है जो आपका अंडमान निकोबार का है। तो अंडमान निकोबार की जो आपकी राजधानी है वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर है, और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ आता है आपका, साउथ अंडमान में आता है। तो ध्यान रखिएगा साउथ अंडमान में, बहुत बार पूछा जा चुका है कि साउथ अंडमान में आपकी किसकी राजधानी है, तो पोर्ट आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी है और वो क्या है आपकी, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, तो साउथ अंडमान में वो पड़ता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं द सोशल कंट्रैक्ट। द सोशल कंट्रैक्ट किसकी पुस्तक है, द सोशल कंट्रैक्ट आपकी रूसो की पुस्तक है। एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी, तो नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रथम विश्वयुद्ध कब हुआ था आपका, जो प्रथम जो विश्वयुद्ध हुआ था वो आपका 1914 से 1918 के बीच हुआ था। अगर मैं सेकेंड विश्वयुद्ध की बात करूंगा तो वो आपका 1 सेप्टेम्बर, ठीक है, वो आपका 1 सेप्टेम्बर 1939 टू आपका कब हुआ था, 1939 टू 2 सेप्टेम्बर, ठीक है, वो आपका 2 सेप्टेम्बर 1945 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1600 में थी। भारत में क्या है आपका, भारत में जो आपका हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। वैसे तो ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट क्या है, वो सबसे ऊंची चोटी है, पर वो विश्व की है, वर्ल्ड की, डब्ल्यू से मैं आपको बता देता हूँ, वो आपकी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पड़ती है आपकी, नेपाल में पड़ती है। नेपाल की राजधानी कहाँ है आपकी, काठमांडू है। अगर ये माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो ये आपकी 8848 इसकी 8848 इसकी क्या है, मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किसने खोजा था, तो एक आपके एवरेस्ट नाम के एक आपके सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे तो उन्होंने ये खोजा था, इसलिए ये 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर भारत की बात की जाए तो कंचनजंगा है। वैसे तो इससे ऊंची आपकी क्या है, केटू है, ठीक है, K2 है, बट इसको इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि ये POK क्षेत्र में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्षेत्र में आता है। और जो K2 की जो ऊंचाई है वो है आपकी 8611 है, बट इसको नहीं लिया जाता है इसलिए क्योंकि ये POK में आता है। इसलिए भारत की जो मानी जाती है वो, ठीक है, सबसे हाइट वाला वो आपका कंचनजंगा माना जाता है। और जो आपकी कंचनजंगा की जो हाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, कंचनजंगा की जो हाइट है वो 8598 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या है, एक नंदा देवी नज़र आ रहा है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, पर्वत है। और ये आपका कहाँ, चमोली में पड़ता है, और ये 7817 मीटर है इसकी, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या है आपका, तो उन्हें देख लीजिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बता ही दिया मैंने, कंचनजंगा है। कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा है, तो आपका कनाडा में सबसे ऊंचा ज्वारभाटा है। किस पौधे में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की जो क्षमता है वो होती है, वो आपकी कहाँ है, चना एवं अन्य दालें हैं। अनाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ है आपका, सतलज में है, और आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में आपका ये पड़ता है। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा इसमें। अब बात करेंगे दोस्तों आपका विडल टेस्ट की बात करेंगे। तो
विडल टेस्ट किसके लिए यूज होता है? विडल टेस्ट आपका टाइफाइड के लिए यूज होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करेंगे दुनिया का जो आपका प्रथम एंटीबायोटिक बनाने के लिए जो किसका प्रयोग किया गया था, तो आपका कवक का प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पौधे जो निम्न युक्त सॉरी जो पौधे आपके क्या है नमक युक्त मिट्टी से में बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आपका हेलोफाइट बोलते हैं। मतलब क्या है, नमक की अगर मिट्टी के साथ क्या होता है, नमक को अगर मिला दिया जाए तो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं समुद्र की जो रेत होती है उसमें नमक रहती है, तो ऐसे जो पौधों को कहा जाता है जो नमक के मिट्टी में नमक रहता है, तो उस पौधों को उगाया जाता है उसको हेलोफाइट कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात की जाए तो आपका वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी होता है तो आपका कौन सा होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका मीथेन होता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका CO2 और आपका मीथेन CH4। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मीथेन को का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH4 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं कि विश्व गौरैया दिवस, जो आपका विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, आपका 20 मार्च से मनाया जाता है, और कब से ये स्टेबलाइज हुआ था? तो 2016 से ये स्टेबलाइज हुआ था। तो जो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है तो 20 मार्च 2016 में ये आपका बनाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि बचपन बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, तो आपके कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। अगर मैं बोलूँ कि ये कब से स्टेबलाइज हुआ, या कैलाश सत्यार्थी ने ये बचपन बचाओ आंदोलन कब से चलाना स्टार्ट किया, तो 1980 में ये क्या था, स्टार्ट हुआ था। और अभी कैलाश सत्यार्थी को ये सब देखते हुए नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। तो आप लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि 2014 में नोबेल प्राइज किसको मिला था, तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसी चक्कर में, किसने बचपन बचाओ आंदोलन को चलाया था। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो आम की प्रजाति है, इनमें से कौन सी नहीं थी? तो आपकी ग्लास आम की प्रजाति है, प्रिंस आम की प्रजाति है, सरीभावी आम की प्रजाति है। ठीक है, तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? सरबती आपकी आम की प्रजाति नहीं है। ठीक है, भारत में कौन सा परमाणु स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी द्वारा निर्मित किया गया है? मतलब यह है कि स्वदेशी द्वारा बनाया गया, मतलब स्वदेश द्वारा बनाया गया, भारत द्वारा बनाया गया, तो वो कौन सा था? वो आपका कल्पक्कम था। थोड़ा सा कल्पक्कम के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा कल्पक्कम है ये कहाँ है आपका? ये आपका तमिलनाडु में है, पहली बात। दूसरा, इसका जो शिलाइंस रखा गया था वो 1978 में रखा गया था, और 1980 में ये बनकर तैयार हो गया था। और ये कितनी मेगावाट की बिजली देता है? ये आपके 470 मेगावाट की आपकी बिजली को उत्पन्न करता है। और ये है कहाँ? तमिलनाडु में है, कल्पक्कम में। ठीक है ना, तो अब ध्यान देते हैं थोड़ा। नरोरा की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये नरोरा कहाँ पड़ता है? तो नरोरा आपका बुलंदशहर यूपी में पड़ता है, और ये 1991 में आपका क्या है, स्टेबलाइज हुआ था। ये 470 मेगावाट की क्या करता है, बिजली को उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा, 470 मेगावाट की बिजली को क्या करता है, ये आपका उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहला अगर बोला जाएगा कि परमाणु स्टेशन है, तो वह हमारा क्या था, तारापुर में था। यह आपका स्टेबलाइज कब हुआ था? तो ये 1972 में स्टेबलाइज हुआ था, और ये था कहाँ, महाराष्ट्र में था। और आपका 320 मेगावाट की ये क्या करता है, बिजली को उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा सबसे पहला है वो तारापुर पावर स्टेशन है, और ये क्या है आपका, महाराष्ट्र में है, और 1972 में क्या हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब रावत भाटा को भी हम क्यों छोड़ें, रावत भाटा के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रावत भाटा आपका राजस्थान में पड़ता है, और ये रावत भाटा भी 1972 में स्टेबलाइज हुआ था। पर सबसे पहला जो माना जाता है वो तारापुर माना जाता है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही राजस्थान में रावत भाटा स्टेबलाइज हुआ था। जो रावत भाटा है वो 440 मेगावाट की बिजली को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे सबसे पहला पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहला जो बिजली विद्युत घर यानी पावर स्टेशन बनाया गया था, तो वो रशिया के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखना, रशिया में सबसे पहले बना था। और अगर बात की जाए सेकंड की, तो यूएसए ने क्या किया था, आपका सेकंड नंबर पे आपका पावर स्टेशन को बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 60 क्वेश्चन की, कि बीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन से कह सकते हैं कि रेजिमेंट के थे, कौन से रेजिमेंट में संबंध रखते थे, या फिर आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली राइफल्स की आपके किस किस इकाई के निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये आपका 2/18 आपके रेजिमेंट के थे, पहली बात। दूसरा, इनको आपका कहा जाता है पेशावर कांड है, पेशावर कांड ही हुआ था जब क्या हुआ था कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को ऑर्डर दिया गया था कि वो निहत्थे अफगानों पर गोलियां चलाएं, बट उन्होंने नहीं चलाई थी, तो इसी को आपका पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेशावर कांड का नायक कौन है, तो आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है। जो ये आपका पेशावर कांड हुआ था, यह आपका 23 अप्रैल, ध्यान रखिएगा,
कहीं पे मार्च भी दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। बहुत जगह पे अगर मार्च आ जाए या अप्रैल आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में मार्च, अगर अप्रैल नहीं दिया जाएगा और मार्च दिया जाएगा तो आप यही मारोगे, और कभी कभी अप्रैल दिया जाता है, वैसे सही आंसर बिल्कुल इसका अप्रैल है। अगर आपको अप्रैल दिया जाएगा और मार्च दिया जाएगा तो आप अप्रैल ही को इसमें आंसर मारेंगे, और वैसे अगर अप्रैल होगा तो आप अप्रैल ही आंसर मारेंगे। मैं तब बता रहा हूँ, सपोज करो क्वेश्चन पेपर में अप्रैल नहीं दिया रहेगा, मार्च दिया रहेगा तो आप यही इसका आंसर मारेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुकों में बहुत सारा कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स काफी पूछते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ। जो उसका सही आंसर है वो आपका 23 अप्रैल, आपका ठीक है 23 अप्रैल 1930 को ये क्या हुआ था, पेशावर कांड आपका हुआ था, और ये कौन से रेजिमेंट का था, 2/18 रेजिमेंट का था, ठीक है। कई बार ना बुकों में क्या है 2/19 रेजिमेंट दिया रहता है, पर ये गलत है, हमेशा क्या है इसका आंसर 2/18 ही रेजिमेंट है, तो इतना आप इसको ध्यान रखिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के किस उत्सव को पत्थर युद्ध कहा जाता है, पत्थर युद्ध आपका बग्वाल मेला को कहा जाता है, जो देवी दुर्गा चंपावत में मनाया जाता है, और अभी हाई कोर्ट ने इसको स्टे लगाया था इस पे कि आप पत्थर से नहीं मारेंगे, क्योंकि किसी को भी आप जख्मी नहीं करेंगे, आप फूलों से या फिर किसी और चीज़ों से क्या करते हैं हल्की चीज़ों से मार सकते हैं एक दूसरे को, बट जो ये आपका पत्थर युद्ध है ये आपका प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है, कि जब तक वहाँ पर क्या किसी को हम खून नहीं निकालेंगे या किसी को जख्मी नहीं करेंगे तब तक इस मेले का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस पर क्या करा था, अभी स्टे भी लगाया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, महासू देवता की जो पूजा की जाती है वो कहाँ की जाती है, देहरादून में की जाती है, चकराता के साइड की जाती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़्यादातर चकराता में ही मनाया जाता है, और देहरादून में क्या है कम से कम 98% लोग क्या कहते हैं आपका जौनसारी लोग रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जौनसारी लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि चकराता का बहुत सारा क्षेत्र आपका देहरादून में आ जाता है। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह इसका राजा था, कब से कब तक था, तो ये बात करेंगे 1946 से आपका 1949 तक ये क्या था आपका राजा था, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चूना पत्थर, जो चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है, तो आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है, हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में इसमें आप चर्चा करते हैं या उसके बारे में हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। बात करते हैं आपका तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला जो प्रसिद्ध थे, देखो एक तो तारादत्त गैरोला पोएट भी है और अधिवक्ता भी है, तो इसके ऑप्शन क्या है, दोनों थे, कवि भी और अधिवक्ता भी थे। निम्न में से कौन सा कार्य जोहार घाटी से संबंधित है, कौन थे ऐसे जो जोहार घाटी से संबंधित है, तो आपका डॉक्टर शेर सिंह आपका पांगती, तो ध्यान रखिएगा। सोडियम, सोडियम की बात करेंगे, सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है, तो वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि जो सोडियम होता है, जो Na होता है, इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है आपसे या फिर इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो Na है आपका सोडियम का। और दूसरी चीज का ध्यान रखिए, ये पानी या फिर लिक्विड में क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्टिव होता है, ये आपका मिट्टी के तेल के साथ रिएक्टिवेट नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होता है इसको तेल में ही रखा जाता है और काली सीसी में रखा जाता है, ताकि सनलाइट इसमें ना पड़े, और बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिनमें सनलाइट पड़ने के लिए ना पड़े, ताकि हम उसे काली बोतलों में रखा जाता है, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि हम काली बोतलों में क्या करते हैं केमिकल्स को क्यों रखते हैं, ताकि उसमें सनलाइट ना पड़ सके, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है केमिकल्स जो हमारी केमिकल लैब होती हैं, केमिस्ट्री लैब होती हैं, उसमें क्या होता है काली बोतल में इससे रखा जाता है कि अगर कहीं से सनलाइट पड़ रही है तो उन बोतलों से अंदर उस जो भी हमारा केमिकल रखा है उसको खराब ना करे, ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब त्रेता युग किस काल को कहा जाता है, तो रामायण को त्रेता युग कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल, और इसको आपका चारण भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा चारण भी इसी को कहा जाता है। अल्मोड़ा में पूर्व खगमरा किला, खगमरा किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह आपका आपका जो भीष्मचंद थे उनके द्वारा बनाया गया था, तो ध्यान रखिए जो इसका ऑप्शन था आपका भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया था, और भीष्मचंद ने एक और बनाया था कि जो आपका ये है खगमरा किला है, ये आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, तो मैं ए से इसको डिनोट कर देता हूँ, अल्मोड़ा में खगमरा किला पड़ता है, जो आपका राजा भीष्मचंद था, इसने एक और बनाया था सिरमोही, ठीक है, जो सिरमोही एक और इसने किला बनाया था, ये कुमाऊँ के किले के नाम से मैंने एक वीडियो भी डाली है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि सारे किलों को देख सकते हैं, तो वहां भी आप जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, तो सिरमोही बनाया था, और ये आपका चंपावत में पड़ता है, राजा भीष्मचंद ने भी बनाया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सोमचंद भी दिया था, सोमचंद ने कौन सा आपका किला बनाया था, तो राजबुग्गा बनाया था सोमचंद ने, तो ध्यान रखिए राजबुग्गा आपका चंपावत में पड़ता है, इसको लिख लीजिए। एक आपका कल्याणचंद भी दिया गया, कल्याणचंद के द्वारा दो बनाए गए थे कुमाऊं में, एक मल्ला महल बनाया गया था, फोर्ट मोयरा बनाया गया था, फोर्ट जो मोयरा है, तो ध्यान रखिए फोर्ट मोयरा और जो आपका मल्ला महल है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपका कल्याणचंद के द्वारा बनाया गया था, और ये दोनों ही क्या है अल्मोड़ा में स्थापित है, तो ध्यान रखिए इन चीजों का। ओके, किसे प्राचीन युग का कुब्जा मृग कहा जाता है, तो कुब्जा मृग आपका ऋषिकेश को कहा जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। गंगा नगर भी ऋषिकेश को कहा जाता है, संस्कृत नगरी भी ऋषिकेश को कहा जाता है, जो संस्कृत नगरियों से हरिद्वार को भी कहा जाता है, वैसे दोनों को कहा जाता है, ऋषिकेश को भी हरिद्वार को भी, आपको ऑप्शन देख के मारने पड़ेंगे, तो ध्यान रखिए गंगा नगरी, संस्कृत नगरी और सन नगरी किसको कहा जाता है, और कुब्जा मृग भी किसको कहा जाता है, ऋषिकेश को कहा जाता है, ठीक है। इनमें से उत्तराखंड का जो लोक वाद्य यंत्र है, एक आपका हुड़का है, और ध्यान रखिए आपका ढोल भी क्या है उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है, तो इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं,
अब बात करते हैं कि उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र हुड़का, आपने बता दिया मैंने आपको, कुली बेगार। कुली बेगार जो प्रथा थी उसको निकालने के लिए खच्चरों सेना की स्थापना किसने करी थी, आपके कौन सा कमिश्नर था, ट्रेल था। क्योंकि जो आपका कुली बेगार आंदोलन था, कुली बेगार आंदोलन खत्म, जो प्रथा थी खत्म कब की गई थी, ये आपकी जनवरी 1921 में खत्म की गई थी, सरयू नदी के किनारे पे बागेश्वर में आपको सारे रजिस्टर क्या कर दिए गए थे, आपको बहा दिए गए थे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तराखंड के इतिहास में नकटी रानी किसे कहा जाता है, कर्णावती को कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या कहा था, जो शाहजहां की मुगल सेना थी उन्होंने क्या कहा था, जब गढ़वाल पे आपके क्या कर दी थी, चढ़ाई कर दी थी, तो कर्णावती ने क्या कहा था, सबको पकड़ कर उनकी क्या करती थी, नाके कटवा दी थी। इसलिए इसे कर्णावती को नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो आपका सहारा मरुस्थल है, जो आपका सहारा मरुस्थल है, तो ध्यान रखें सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगर बोला जाएगा इंडिया का जो आपका सबसे बड़ा मरुस्थल है तो थार है, और अगर आपका एशिया का पूछा जाएगा तो आपका गोभी है, तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, अब बात करेंगे किस विद्रोह में कुमाऊं का बारदोली कहा गया है, तो आपका जो कुमाऊं का बारदोली कहा गया है, सल्ट कहा गया है, ये कब कब हुआ था, ये आपका आपका 5 सितंबर, 5 सितंबर 1942 को हुआ था। खुमाड़ी एक जगह पड़ती है आपका अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में एक सल्ट जगह है जहाँ क्या है, 5 सितंबर 1942 को ये हुआ था। और ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने इसी को क्या है, कुमाऊं का बारदोली नाम से इसको फेमस भी कहा था, और शहीद दिवस भी मनाया जाता है आपको ध्यान रखिएगा। अगर कुमाऊं की बात की जाए ना, कुमाऊं में आपका शहीद दिवस भी मनाया था आपको 5 सितंबर को, तो ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड में भी मनाया जाता है, वैसे उत्तराखंड भी बोल सकते हैं, कुमाऊं भी हम कह सकते हैं। ठीक है, वर्ष 2013 में उत्तराखंड का जो आपका राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किया था, तो आपका यह आपका हरसिंह थापा को दिया गया था, तो इतना ध्यान रखना है। मैंने करंट अफेयर की वीडियो भी डाली है, उसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार बताया है 2017 में, तो आप वहाँ देख लीजिए 2017 में किस किसको दिया गया है। ठीक है, और भी होते हैं उत्तराखंड के प्राइस, तो वहाँ जाके आप मेरी करंट अफेयर की वीडियोज में देख सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ एक ही वीडियोज में नहीं बताई जा सकती, तो इसलिए आप वहाँ भी देख के अच्छे से आप और स्टडी कर सकते हैं। कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था वो 1916 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा अल्मोड़ा कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था, तो 1912 में किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कब थे, आपके देवीदत्त पंत थे। और ये जो उत्तराखंड क्रांति दल है ये कब बना था, ये आपका 25 जुलाई को, ध्यान रखिए 25, ये आपका 25 जुलाई को, और 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय अध्यक्षता किसने करी थी, आपका देवीदत्त पंत ने करी थी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम का जो लिमिटेड है वो आपके 9 नवंबर 2001 में बनाई गई थी, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब वैसे तो क्या बोलते हैं, जो यूकेएसएससी ने इसका आंसर माना था नहीं माना था, ये वाला माना था, इसमें डी ऑप्शन मानता है, बट जो इसको सही में जो बना है, ठीक है, किसी बुक में दिया गया है 9 नवंबर 2001 में इसका क्या हुआ था, आपका स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो टिफिन टॉप है, टिफिन टॉप का आपका, टिफिन टॉप आपका नैनीताल में पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द ओरिजिन ऑफ द भगीरथी, भगीरथी कहाँ से होती है, तो गौमुख से भगीरथी उत्पन्न होती है, ध्यान रखिए। गौला नदी के किनारे पे कौन सा शहर है, हल्द्वानी है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें स्टार पॉइंट बनाइए, गौला नदी के किनारे पे कौन सा आपका, हल्द्वानी है। ठीक है, जो राजी जनजाति है किस जनपद में निवास करती है, पिथौरा में। हमारी क्या है, अनुसूचित जनजातियां उत्तराखंड में 5 है। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, आपका थारू, बौक्सा, राजी और आपका जौनसारी है, तो ये सब क्या है आपके, 5 हैं। तो 5 में जो सबसे कम, जो कह सकते हैं ना, जो है, जो प्रतिशत में है, तो आपको राजी है, और सबसे ज्यादा आपकी जौनसारी है, तो ध्यान रखिएगा। तो पिथौरागढ़ में क्या है आपका, पिथौरागढ़ में आपकी राजी जनजाति आपके निवास करती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में एक हिमालय संग्रहालय है। हिमालय संग्रहालय कब बनाया गया था, 14 नवंबर 1965 में बनाया गया था, और 1965 में ही आपको एक नेहरू पर्वतारोहण है उसी के अंडर ये बनाया गया था। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण आपको पता ही है उत्तरकाशी में है। बात करते हैं सितार का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। एक फ्रेडरिक समेटा है जिसने क्या किया था, तितलियों का संग्रहालय बनाया था भीमताल में। ठीक है, तो भीमताल में एक तितलियों का संग्रहालय बनाया था, जिसमें क्या है, कम से कम ये लगा के चलो कि 2-3 कमरों में, ठीक है, 2-3 कमरों में क्या है, 550 से अलग अलग वेरायटी की तितलियां हैं, और 10,000, अगर मैं सॉरी 11,000 के आसपास उसमें क्या है, कीड़े मकोड़े और शैलियां हैं। ठीक है, बात तो ध्यान रखिएगा, 11,000 उसमें सैलियां हैं, और 2-3 कमरों में क्या आपके 550 तितलियों के आसपास उसमें। अगर बात करें 88 क्वेश्चन की, आपके विष्णुघाट पीपलीकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से आपके किस नदी पर विकसित है, तो ध्यान रखिएगा वो किस नदी पर विकसित है, वो आपके अलकनंदा नदी पर विकसित है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, अगर कौशिक समिति, सबसे पहले बात करेंगे कौशिक समिति के बारे में। जो ये कौशिक समिति है ये क्या है, इसने क्या करा था, कितने मंडल बनाए थे उत्तराखंड बनाने से के लिए, तो उसने उस समय पे आपके 3 मंडल बनाए गए थे। सबसे पहले जो कौशिक समिति है ये क्या है आपके 1993 में ये क्या हुई थी, स्टेबलाइज हुई थी। किसके द्वारा स्टेबलाइज हुई थी, ये उस समय जो आपके सीएम चल रहे थे मुलायम सिंह चल रहे थे, ठीक है, आपको पता ही होगा मुलायम सिंह उस समय क्या था, आपका यूपी में आपका उत्तराखंड आता था, तो मुलायम सिंह चल रहे थे, मुलायम सिंह यादव पूरा नाम था। और जो कौशिक समिति बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि
क्योंकि क्या करना था, उत्तराखंड को अलग करना था। तो उत्तराखंड को जब अलग करना था तो 1993 में क्या कहता है ये बनाया गया था। अब जो कौशिक समिति है 1993 में बनाई गई थी, 1994 में इसने क्या करा था, अपनी एक कहा जा सकता है कि इसने अपनी एक क्या करी थी, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और उस रिपोर्ट में क्या किया गया था, गैरसैंड राजधानी बनाने की मांग करी थी। ठीक है, 1994 में कौशिक समिति ने, अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गैरसैंड को किस किस समिति ने क्या किया था, आपका राजधानी बनाने के लिए कहा गया, तो कौशिक समिति इसका आंसर होगा। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इसने उस समय पे क्या करा था, तीन मंडल आपके बनाने की ठीक है घोषणा करी थी। घोषणा भी नहीं कह सकते, एक तरफ से आयोग को क्या करी थी, सिफारिश करी थी। ठीक है, तो जो रिपोर्ट दी थी इसने 1994 में दी थी, एक तो दी थी कि तीन मंडल बनाइए और दूसरी दी थी कि आपको गैरसैंड को राजधानी आपका बनाना है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कनकपाल, कनकपाल किस वंश के राजा थे, वो आपके पंवार वंश के राजा थे। और उस समय पे जो यहाँ पर आपका राजा था वो कौन थे, आपके भूपेंद्र, भूपेंद्र थे। ठीक है ना, तो आपके उस समय पे कौन था, भूपेंद्र थे। ठीक है, अब भूपेंद्र चंद थे, भूपेंद्र चंद्र की जो बेटी थी, जो आपके कनकपाल थे, ये आपके गुजरात के थे और ये घूमने आए थे यहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, भूपेंद्र चंद ने अपनी लड़की की यहाँ शादी करवा दी और इसको यहीं क्या कर दिया, आपका स्टेबलाइज करवा दिया गया था। तो उस समय जो भूपेंद्र चंद था, ध्यान रखना पड़ा, ठीक है, जो उस समय क्या था, भूपेंद्र चंद जो ये चल रहे थे इनके, और ये जो कनकपाल थे उन उस समय इनकी राजधानी चल रही थी चांद्रपुर गढ़ी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कनकपाल की राजधानी क्या कहाँ थी, तो चांद्रपुर, ध्यान रखना, चांद्रपुर गढ़ी। ठीक है, चांद्रपुर गढ़ी जो आपका कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है, ये उस समय इनकी राजधानी थी आपका चमोली में। ठीक है, अब क्या हुआ, जब कनकपाल, ठीक है, तो कनकपाल उस समय आपका जो माना जाएगा तो 88, ठीक है, 888 आपकी उस समय ईस्वी चल रही थी, जिस समय पे क्या था कनकपाल पंवार वंश आपका यहाँ बसा था आपका। ठीक है ना, तो अब एक और चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने क्या करा था, जो चांदपुर गढ़ी है उसको देवलगढ़ी, और देवलगढ़ी से आपका श्रीनगर राजधानी लाया था। तो आपको ध्यान रखना है अजयपाल नाम के एक राजा थे जिन्होंने क्या करा था, ये आपका चांदपुर गढ़ी चमोली से देवलगढ़ लाए थे, देवलगढ़ से आपको श्रीनगर राजधानी को लाए थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कनकपाल कहाँ के, ध्यान रखिए कनकपाल आपके गुजरात के हैं। और अगर ये भी पूछा जा सकता है कि हाँ भाई ऐसा कौन सा जो आपका राजा है जिसने क्या करा था, अपने पीछे जो शाह की उपाधि लगाना स्टार्ट कर दिया, तो बलभद्र शाह थे। ठीक है, बलभद्र शाह थे जिन्होंने आपका शाह की उपाधि लगाना स्टार्ट कर दिया था। और ये शाह की उपाधि दी किसने थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो लोधियों ने क्या करी थी आपको, वो दी गई थी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं मसूरी जो स्टेशन लाइब्रेरी है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1883 में की गई थी। 1883 में इसकी क्या की थी, ठीक है, 1883 ये मत सोचिए रेडिस्टान है, 1883 इसका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मसूरी स्टेशन की स्थापना की कब 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 की गई, तो 1900 में उसकी मसूरी स्टेशन की स्थापना आपकी की गई है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम बार, अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड में प्रथम बार आपका वन पंचायतों का गठन कब किया गया था, तो 1931 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं में वन पंचायत का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर भी क्या है आपका, 1931 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए भारत का उत्तर दिशा का जो अंतिम गांव माणा है वो कहाँ है आपका, चमोली में है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर, ठीक है, घूमने में सर्वाधिक अधिक समय लेती है, तो ये आपका जब भी अपनी उसमें घूमती है ना धुरी पे, ऐसे एक्सेस में घूमती है, तो ये क्या है आपकी समान रहती है, प्रवर्तित नहीं रहती कभी। विश्व में आपकी सबसे लंबी जो आपकी पर्वत है वो आपकी कौन सी, आपकी एंडीज है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विश्व में जो सबसे लंबी आपकी महाद्वीप पर्वत श्रेणी है वो कौन है, आपकी एंडीज है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक एक निजी प्रकार का बैंक है जो स्टेबलाइज कब हुआ था, 1969 में ये स्टेबलाइज हुआ था। और जो उसका हेडक्वार्टर है, तो ध्यान रखिए 1969 में ये आपका स्टेबलाइज हुआ था, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है, मुंबई है, तो एम से आप मुंबई ध्यान रखिए। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के मुख्य तौर पर जाना जाता है, वो क्या थे, वो आपके एक लेखक थे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि अब बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र में गोरखाओं का राज्य, तो सबसे पहले ध्यान रखें हमने गढ़वाल क्षेत्र की बात करी है, तो 1805 से आपका 1815 में इन्होंने क्या किया था, स्टेबलाइज किया था। ठीक है, मतलब इसको जीता था, मतलब इसमें राज किया था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या किया था, 1790 में, ध्यान रखिए 1790 में क्या किया था, कुमाऊं में सबसे पहला अटैक किया था और कुमाऊं के अल्मोड़ा को जीत लिया था। उसके बाद इनका जो स्टेबलाइज जो हुआ है वो 1815 तक इनका क्या है, आधिपत्य रहा है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल में जो सबसे पहला अटैक हुआ था, गढ़वाल में जो सबसे पहला अटैक हुआ था वो 1791 में इन्होंने सबसे पहला अटैक किया था, बट ये क्या था, अपराजित हो गए थे। ठीक है, तो वहाँ पराजित नहीं हो पाए थे, तो ये भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, आपको पता ही, 1803 में फिर से नेपाली गोरखाओं ने क्या करा था, अटैक किया था। फिर जब अटैक किया था तो आपको इतना पता है, फिर यहाँ से क्या होता, उस समय प्रद्युमन शाह थे, ठीक है, प्रद्युमन शाह थे, वो भाग गए थे। फिर 14 मई को दोबारा से प्रद्युमन शाह ने अटैक किया था, या फिर प्रद्युमन शाह से लड़ाई लड़ी गई थी गोरखाओं द्वारा 1804 में, और खुड़बड़ा मोहल्ले में आपका क्या, प्रद्युमन शाह की क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी।
अब जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो उनका राज हुआ वो 1805 से आपका 1815 तक चलता रहा। फिर 1815 में प्रद्युमन शाह का एक बेटा था सुदर्शन शाह, वैसे उसके दो बेटे थे बट एक था सुदर्शन शाह जिसने लॉर्ड हेस्टिंग को कहा था कि हमें हमारा देश देश बोलो या फिर राज्य बोलो हमें लौटा दो। तो फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या करा था, उसमें गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी गई थी और आपका 1815 में फिर एक संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, संगोली संधि के बाद क्या गढ़वाल का क्षेत्र उन्होंने आपका वापस कर दिया था। फिर उसके बाद ये भी था कि कुमाऊं में फिर से अंग्रेजों ने क्या करा था, फिर से अंग्रेजों ने वहां पर कुमाऊं पे भी चढ़ाई कर दी और 1815 में उसे भी क्या कर दिया था, जीत लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि देखो 1790 से 1815 तक कुमाऊं में रहा, 1805 से आपका 1815 तक किसका रहा, या आपका गढ़वाल में रहा। ये भी पूछा सकता है कि कुमाऊं पे जो आपके नेपाली थे कितने साल उन्होंने वो किया राज्य किया, तो आपका 25 वर्ष, और अगर गढ़वाल में पूछा जाएगा तो 10.5 वर्ष इन्होंने क्या किया था इसमें रहा थे। ठीक है, ध्यान के अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि लाल टिब्बा, लाल टिब्बा कहाँ है आपका, लाल टिब्बा आपका है जो आपका मसूरी में है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2011 में जो जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा स्थान है, तो आपका 17वां स्थान है। अगर साक्षरता की बात करेंगे तो उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो है आपकी 78.8% है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें इतना है 78.8%। मेल की बात की जाएगी तो मेल में आपका क्या है 87.4% आपका मेल है, और फीमेल की बात की जाएगी तो 70% क्या है आपका फीमेल है। ठीक है ना, अब जब उत्तराखंड की हमने बात कर दी है तो इंडिया की बात करते हैं, जो इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट है वो आपका 74.04% है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल आपका 82.14% है, अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल आपका 60.46 आपका क्या है 65, ठीक है 46% क्या आपका फीमेल है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। ऐसे ही हम क्या करेंगे आगे भी आने वाले जितने भी पेपर होंगे उनके डीप स्टडी में क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आपको क्या होगा काफ़ी मदद मिल जाएगी और काफ़ी चीज़ें आप सीख ली जाएंगे। आप नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिए एजी टुडे। ओके, थैंक यू दोस्तों।